हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिडन मॉम कांचन। सो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रोबो कुक। ये है गीक का रोबो कुक। एक्चुअली इसने मेरा काम इतना ज्यादा कम कर दिया है किचन का कि आपको क्या बताऊं। इसके साथ मेरा किचन का काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है, क्विकली खाना बना देता है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो रोबो कुक रखा है। जल्दी से खाना बना देता है और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होता इसके साथ खाना बनाने में। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये जो है राइस कुकर जैसा दिख रहा है। नहीं गाइस, ये नॉर्मल राइस कुकर नहीं है। इसमें बहुत सारा खाना आपका बन जाता है। आप जो भी चाहो आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि आप इसमें सब्जी बना सकते हो, सांभर बना सकते हो, इडली बना सकते हो, इवन केक भी आप इसमें बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके किचन में। ये आपका एक दोस्त बन के रहेगा आपके किचन में और ज्यादा जगह भी कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसी वजह से एक कोने में आप इसे रख दो, एक जगह इसके लिए बना दो अपने किचन में और बस थोड़ी सी जगह में ये आपका काम कर देगा ज्यादा। और इसके साथ कुकिंग करना इतना इजी है। वन पॉट कुकिंग होती है इसमें और एक पॉट में ही कुकिंग होती है। ज्यादा बर्तन इसमें नहीं भरते हैं और ज्यादा आपको बर्तन वॉश करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप यूज करोगे ना इसे, तब आपको पता चलेगा कि यार नहीं, ये तो बेस्ट प्रोडक्ट है। इसी वजह से मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये जो गीक का रोबो कुक है वो मैंने रिसेंटली ही परचेस किया है। कुछ दिन हो गए इसमें मैं खाना बना रही हूँ और बहुत ज्यादा इजी लग रहा है मुझे खाना बनाना। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं कि ये कैसा है, क्या है, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूं, इसको कैसे यूज करना है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूं। उससे पहले कि इसमें मैं आपको खाना बना के दिखाऊं, उससे पहले आप देख लीजिए इसकी अनबॉक्सिंग, कैसी इसकी पैकेजिंग थी, कैसे मुझे ये रिसीव हुआ था, सब कुछ आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसमें रेसिपी बना के दिखाती हूँ। तो गाइज, इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में आया था और इसे अनबॉक्स करने के बाद अंदर एक जो बॉक्स है वो भी कार्डबोर्ड का है, उसके अंदर है हमारा प्रोडक्ट रोबो कुक। ये है गीक का रोबो कुक। गाइज, ये गीक ब्रांड से है और इतना अच्छा है कि आपको क्या ही बताओ। इसकी तारीफ के लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। आपके किचन के लिए तो ये अच्छा है ही। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके रूम पे इसे रखना है आपको, तो आप इसे आपके रूम पे रख सकते हो, हॉस्टल में रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। इसके साथ ये रेसिपी बुक मिल जाती है और इसमें इतनी सारी रेसिपीज़ है कि बॉयज़ भी इसे बना सकते हैं। आपको इसे यूज़ कैसे करना है टेंशन नहीं आएगा। कोई भी रेसिपी आप इसमें बना सकते हो। इतनी सारी रेसिपीज़ दी है रेसिपी के इंग्रेडिएंट के साथ और उसमें कैसे कैसे फंक्शन यूज़ करने हैं उसके साथ इसमें डिटेल में दिया है। आप देख ही सकते हो बहुत सारी रेसिपीज इसमें दी है। जैसे कि आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, आप स्टूडेंट हो, अपने रूम पे इसे रखना चाहते हो तो आप इजीली रख सकते हो। हॉस्टल का खाना या मेस का खाना खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से खाना बना सकते हो और रेसिपी बुक में देख के आप रेसिपीज बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस रोबो कुक से और घर का खाना भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको ये रोबो कुक मिलता है, मतलब ये कुकर मिलता है। ये 5 लीटर का कुकर है और इसमें क्या क्या मिलता है वो भी आपको बता देती हूँ। एक वायर मिलता है जो अटैच करना पड़ता है आपको। उसके बाद ये ग्लव्स मिलते हैं जो सिलिकॉन के हैं, मतलब आपको जो पॉट है वो पकड़ने के लिए आपके काम आएंगे। इससे आपका हाथ जलने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसे आप पहन के वो जो पॉट है वो आप उठा सकते हो। उसके बाद आपको इसमें एक और बुक मिलता है, इस पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है और ये रोबो कुक के बारे में कुछ लिखा है इसमें। उसके बाद इसमें एक मेजरमेंट कप एंड एक स्पून भी मिला है जिससे राइस टूटता नहीं है। ये स्पून बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉनस्टिक स्पून है, मतलब इससे राइस चिपकता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया है, इसमें पढ़ के आप इसको यूज़ करना सीख सकते हो, मतलब इसमें सारी चीज़ें इसके बारे में बताई है। तो चलिए अभी इसमें कुकिंग करते हैं। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली है। यहाँ पर पुलाव के लिए चावल भी भिगो के रखे हैं, बासमती राइस है जो पुलाव राइस होते हैं वही भिगो के रखे हैं। आधा घंटा पहले भिगो के रखा है, 15 मिनट पहले भी आप भिगो के रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको जल्दबाजी है तो। इसमें आपको 5 लीटर का पॉट मिलता है। ये 5 लीटर में भी आता है और एक 8 लीटर में भी आता है। दो साइजेस में ये गीक का रोबो कुक अवेलेबल है। यहाँ पर जो फंक्शंस है वो दिए हैं और इसमें आप बहुत सारा खाना बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑन ऑफ के बटन है, उसके बाद की वार्म के बटन है एंड कैंसिल के बटन है। इससे आपका खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। उसके बाद ये डिले टाइमर है और उसके बाद राइस, दाल, चना और उसके बाद यहाँ पर है सांभर ग्रेवी, उसके बाद यहाँ पर है पोंगल खिचड़ी, इडली है, इसके बाद ये सॉटे है।
सब्जियों को सॉटे वगैरह करने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट है, तो ये क्विक एंड मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग पे आप रख सकते हो। आपको जल्दी चाहिए, थोड़ा सा देर में चाहिए, या आपको अच्छे से पकाना है, तो उसके लिए आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी आप इसमें बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, तो उसके लिए ये है। मतलब जिस टाइप का भी आपको पुलाव बनाना है या बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पॉट तो मैंने आपको दिखाई दिया, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा पॉट है, आप काफ़ी सारी कुकिंग इसमें कर सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर साइन दिया है ओपन और क्लोज का, तो यहाँ पर ये ओपन होता है और इसमें क्लोज होता है। अभी मैं आपको लीड भी लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो एरो है वाइट कलर का, वो आपको ओपन पे रखना है और उसके बाद ये क्लोज पे लेके जाना है। तो अभी ये हो गया हमारा कुकर क्लोज। उसके बाद ये जो है बटन, आप आगे पुश करते हो तो इसमें से जो स्टीम है वो रिलीज होगी, और अगर आप पीछे ही रखते हो तो इसमें अच्छे से स्टीम बने रहेगी और उस पर ही आपका खाना जो है आधा पक जाएगा। आपको स्टीम रिलीज करनी है तो आप रिलीज भी कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे पिन लगाने के लिए दिया है। नीचे पिन लगाने के बाद अभी ये रेडी हो गया है हमारा रोबो कुक कुकिंग करने के लिए। सबसे पहले वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें सब्जियाँ सॉटे करनी पड़ती है, तो हमें क्या करना है, ऑन का बटन दबाना है, उसके बाद सॉटे का बटन दबाना है। उसके बाद हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे पॉट में। घी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, जितना आपको ऐड करना है उतना, जितना आप घी ऐड करोगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी बिरयानी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है इसमें, उसके बाद लौंग ऐड कर दी है 4-5, और उसके बाद मैंने बड़ी इलायची 2 ऐड कर दी है, उसके बाद मैंने दालचीनी के टुकड़े 2 ऐड कर दिए हैं, और ये मैं राई और जीरा ऐड कर रही हूँ, और बस उसके बाद प्याज ऐड कर दूँगी, प्याज को अच्छे से होने दूँगी, और उसे में आपको ऐड करना है अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को पहले अच्छे से होने देना है, फिर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और फिर जो हमने सब्जियां काट के रखी है वो ऐड करेंगे। और सब्जियों की जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पर मैंने हरी इलायची भी डाल दी है, और सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी सब्जी आपको पसंद है वो सब्जी आप डाल दीजिए। और इसमें जो बिरयानी बनती है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा खिली खिली सी बनती है। सिर्फ मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है इसमें, और जैसे जैसे आपको बताऊंगी मैं, आप आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर दी है, उसके बाद ये मटर भी ऐड कर दिए है, और नमक ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दिए हैं, आप चाहो तो सोयाबीन बड़ी भी ऐड कर सकते हो। और बस यहाँ पर चला लेना है थोड़ी देर, सब्जियों को सॉटे कर लेना है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला। तो इसे ऐड करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है बिरयानी का। बस इसे ऐड करने के बाद आपको जो लाल मिर्च पाउडर है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। उसके बाद हल्दी ऐड कर दी है मैंने, और यहाँ पर जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। ये 2 कप चावल है, इसके साथ जो मेजरमेंट के लिए कप आया था उसमें मैंने भर भर के 2 कप ऐड किए थे। ये जो कप है वो 2 कप चावल थे। अभी आप जब चावल भिगो के रखते हो ना, तो इसमें पानी थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है आपको। यहाँ पर 2 कप चावल के लिए मैंने 2.5 कप पानी लिया था। तो पानी ऐड कर देने के बाद आपको जो लीड है वो बंद कर देना है, और उसके बाद हमें सॉटे को कैंसिल करके, मतलब ऑन ऑफ का बटन दबा के, उसके बाद पुलाव या बिरयानी का बटन दबा देना है। और ये टाइमर ऑटोमेटिक सेट कर देगा, मतलब अपने आप टाइमर ले लेगा जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसने अपने आप 15 मिनट्स का टाइम लिया है। 15 मिनट्स के बाद हम लोग चेक करते हैं, जो भी आपने कुक किया है वो बन जाने के बाद यहाँ पर ये 3 बीप देगा। बीप के बाद स्टीम रिलीज होने का वेट करना है, और उसके बाद आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है हमारी वेज बिरयानी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइज, और पूरे जो चावल है वो खिले खिले से बने थे, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर। और इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, जलती नहीं है, अगर आप अच्छे से उसको बनाते हो तो। यहाँ पर वेज बिरयानी से आपको पता चल ही गया होगा, खिले खिले से चावल बने थे, बहुत ही अच्छी टेस्टी बिरयानी बनी थी। मिक्स करने के बाद भी चावल टूटे नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आई होप गाइज आपको ये ग्रीक का रोबो कुक पसंद आया होगा, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। मेरे तरफ से तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है ये वाला प्रोडक्ट। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर उनके किचन के लिए उनको लेना है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगे। डेली ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ मेरे 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर कोई मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चले गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।